एक बार की बात है, पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में कोजी नाम का एक लड़का रहता था। कोजी एक जिज्ञासु और बातूनी बच्चा था जिसके पास हमेशा कुछ न कुछ कहने के लिए होता था। एक दिन उसने एक बुद्धिमान वृद्ध भिक्षु के बारे में सुना जो पास के पहाड़ की चोटी पर एक मठ में रहता था। उसने साधु से मिलने और उससे सीखने के लिए पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। जैसे ही कोजी पहाड़ पर चढ़े, उन्होंने देखा कि एक पेड़ की शाखा पर एक सुंदर पक्षी बैठा है। उसने चिड़िया को आवाज दी, लेकिन वह बिना आवाज किए उड़ गई। कोजी ने अपनी चढ़ाई जारी रखी और मठ में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात उस साधु से हुई जो शांतिपूर्ण ध्यान में बैठे थे। साधु ने कोजी का स्वागत किया और उससे पूछा कि वह क्यों आया है। कोजी ने उत्तर दिया, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, मैं ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को जानना चाहता हूँ। साधु मुस्कुराया और कहा, आओ मेरे पास बैठो और मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। भिक्षु ने कोजी को एक बुद्धिमान राजा के बारे में बताया जो निष्पक्षता और करुणा के साथ अपने राज्य पर शासन करता था। एक दिन राजा को संदेश मिला कि एक पड़ोसी राज्य ने उसके राज्य पर युद्ध की घोषणा कर दी है। राजा परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उन्होंने अपने बुद्धिमान मंत्रियों से सलाह मांगी, लेकिन वे किसी समाधान पर सहमत नहीं हो सके। अंत में मंत्रियों में से एक ने बात की और कहा, मौन कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर होता है। यदि हम उनके युद्ध की घोषणा का जवाब नहीं देते हैं, तो शायद वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे। राजा ने सलाह पर विचार किया और इसका पालन करने का फैसला किया। उसने युद्ध की घोषणा का जवाब नहीं दिया और उसके आश्चर्य के लिए पड़ोसी राज्य ने कभी हमला नहीं किया। साधु ने कोजी को देखा और कहा, मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, यह सुनने, देखने और समझने के बारे में है। कई बार मौन आपके पास सबसे शक्तिशाली उपकरण होता है। कोजी ने साधु की बातें गौर से सुनी। साधु ने फिर कोजी को 5 स्थितियां दी जहां उन्हें चुप रहना चाहिए। एक, जब आप गुस्से में हो, आवेश में प्रतिक्रिया करने के बजाय कुछ समय के लिए शांत हो जाएं और स्थिति पर विचार करें। दो, जब आप अनिश्चित हो, कभी कभी निर्णय लेने से पहले सुनना और निरीक्षण करना बेहतर होता है। तीन, जब आप सुन रहे हो, अपनी खुद की राय को बाधित या बीच में न डालें। दूसरा, व्यक्ति जो कह रहा है उसे सच में सुने। चार, जब आप सीख रहे हो, प्रश्न पूछें, लेकिन बोलने से पहले आपने जो सीखा है उस पर चिंतन करने के लिए भी समय निकालें। पांच, जब आप प्रकृति में हो, बोलने की आवश्यकता महसूस किए बिना प्रकृति की शांति का आनंद लें। कोजी ने भिक्षु को उनकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद दिया और एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में घर लौट आए। उन्होंने मौन की शक्ति को महसूस किया और इसे अपने दैनिक जीवन में अभ्यास करने का संकल्प लिया। उस दिन से वह एक बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, जो हमेशा जानते थे कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।